अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होगी, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी, जिसका नाम है बीफ स्टू। और इसको आप परांठों के साथ या नान के साथ खाइएगा। चले अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक प्याली कुकिंग ऑयल डाल दिया, गर्म हो गया है। 5 अदद मैंने प्याज काट ली बारीक, इसको हम ऑयल में डालेंगे। तो हमें लाइट ब्राउन करनी है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। बीफ स्टू बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब इसको 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे, लाइट फ्राई करेंगे प्याज को, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। माशाल्लाह से देखें ये पिंक कलर आ गया है इसमें, और लाइट सी ब्राउन भी हो गई साइडों से। अब इसमें हम 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ हम भूनेंगे। अब अदरक लहसुन भून गया है, इसके अंदर हम 5 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं, उसको काट लिया है, इसके अंदर डालेंगे। अब इसको हम टमाटरों को प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे बेहतरीन से सॉफ्ट हो जाएं। अब टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये साबुत मसाले डलते हैं इसमें बीफ के स्टू में। अब इसमें मैं गोश्त डालूंगी, 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया हल्का सा नमक डाल के। अब गोश्त इसके अंदर जाएगा, हड्डी वाला गोश्त था, उसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया था और उसको बॉईल कर लिया था। हल्का सा नमक इसमें डाला था 1 चम्मच। अब इसको हम तेज़ आँच में, फुल आँच में हम इसको ढक के रख देंगे। गोश्त के साथ जो हमने यखनी डाली थी वो खुश्क हो गई है, यही हमें पोजीशन चाहिए गोश्त की। अब इसके अंदर हम सारे खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें ये दो, इसमें 1 लीमू जाएगा और गरम मसाला 1 चम्मच जाएगा, और लहसुन के जवे जो हैं वो 5 से 6 अदद हमने बारीक बारीक काट लिए थे, और ये गोल वाली मिर्च है वो भी 10-12 दाने जाएंगे इसमें से, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हैं उसको बारीक काट लिया, और अदरक का 1 टुकड़ा लेके मैंने उसको बारीक काट लिया है, और हरी मिर्चें छोटी वाली जो होती हैं वो मैंने 10 से 12 ली हैं, और ये लाल हैं मिर्च, ये बहुत तेज़ होती हैं, ये स्पाइसी ज़रा गोश्त को देंगी, तो ये भी हमने 10 से 12 ली हैं। अभी सब इसके अंदर जाएगा। और ये बीफ स्टू बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस साबुत सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे अभी चेक करके, क्योंकि हमने यखनी जब बॉयल की थी तो उसमें नमक हमने ऐड किया था। देखिए दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। माशाल्लाह से बीफ स्टू हमारा तैयार हो गया, और हमने चेक किया था नमक कम लग रहा था, तो हम 1 चम्मच इसमें नमक का डालेंगे। लास्ट में सबसे हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और इसमें 1 लीमू जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, या आप पराठों के साथ या नान के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा बीफ स्टू। अब इसमें लास्ट, सबसे लास्ट में हम हरा धनिया डालेंगे। अब हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बीफ स्टू तैयार है, मज़ेदार चटपटा सा। आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।